हेलो एवरीवन, आई एम सुनील कुमार, सीईओ ऑफ स्पायर इंश्योरेंस ब्रोकर। आई होप आप और आपकी सब फैमिली बिल्कुल अच्छे से हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जेम्स ऑफ स्क्वायर, जिसमें हम अपने जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे इम्प्लॉयज़ हैं, इनको फैसिलिटेट करेंगे। इन्होंने जो लास्ट ईयर अच्छा बिजनेस किया है हमारे साथ में, और ये स्क्वायर इंश्योरेंस ब्रोकर का साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम काफ़ी सेलिब्रिटीज भी बुलाते हैं और जितने भी लोग हमसे एसोसिएटेड हैं उनको हम सबको फेलिसिटेट करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं जोया अफरोज, जो मिस इंडिया इंटरनेशनल हैं, और इनके साथ में विनीत शर्मा जी आ रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काफ़ी अच्छे मेंटोर हैं, जो हम सबको गाइड करेंगे कि कैसे हम बिजनेस में और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। सो 8th ऑफ अक्टूबर को जयपुर मैरियट में हम सब इकट्ठे होंगे और इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए। आई होप आप अपने बिजी शेड्यूल में से इस टाइम निकालेंगे और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएंगे। थैंक यू एवरीवन। 8th ऑफ अक्टूबर को हमारा जो इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो एवरीवन, आई एम साहिल अरोड़ा, आई एम अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर इंश्योरेंस फैमिली एंड आई एम लीडिंग वर्चुअल ऑफिस एंड फिनसर्व वर्टिकल। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग इवेंट जेम्स ऑफ स्क्वायर अवार्ड्स नाइट 2021 एंड ECRMS पोर्टल लॉन्चिंग। आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी मच ईगली वेटिंग फॉर दिस इवनिंग एंड आई which is happening on 8th of October at Hotel Marriott. All the best. I'm looking forward to meet you soon over there. Thank you. 8th of October को जो Square Insurance Brokers की तरफ से जो event होने जा रहा है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम नितिन गुप्ता है और मैं स्क्वायर इंश्योरेंस ब्रोकर में, हमारे एक वर्टिकल है इमर्जिंग मार्केट वर्टिकल, वो मैं पैन इंडिया हेड करता हूँ HAHOB। इसके अंदर हमने चैनल पार्टनर्स को इनवाइट किया है, बहुत सारे बड़े चैनल पार्टनर्स आने वाले हैं इसके अंदर। इसकी जो चीफ गेस्ट है वो जोया अफरोज हैं, जो कि मिस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं। जी सर, स्क्वायर इंश्योरेंस ब्रोकर्स की तरफ से एक इवेंट होने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है और कौन कौन लोग इसमें हिस्सा लेंगे? हाँ नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यहाँ HOD हूँ LM वर्टिकल में और पैन इंडिया में इसको हेड करता हूँ। अभी जो हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो हमारे चैनल पार्टनर है उसके लिए जो रिवार्ड एक प्रोग्राम है, इसकी थीम है प्रगति। प्रगति के अंदर में जो हमारा जो इसका नाम है वो है अवार्ड ऑफ जेम्स ऑफ स्क्वायर। सर, 8th ऑफ अक्टूबर को स्क्वायर इंश्योरेंस ब्रोकर्स की तरफ से जो इवेंट होने जा रहा है, इसमें कौन आ रहे हैं, ये इवेंट कब होगा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून मैम, 8th ऑफ अक्टूबर को हमने प्रगति के नाम से ये निकाला है, जिसमें हमारे एक कॉन्टेस्ट चल रही थी जेम्स ऑफ स्क्वायर। तो जेम्स ऑफ स्क्वायर ये हमारे जो कोर्स हैं उनके लिए हमने एक कॉन्टेस्ट निकाली थी, तो उस कॉन्टेस्ट में जो भी बंदे क्वालिफाई हुए हैं उसको हम उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। मैम, 8th ऑफ अक्टूबर को स्क्वायर इंश्योरेंस ब्रोकर्स की तरफ से जयपुर होटल मैरियट में फंक्शन जो होने जा रहा है, जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 8th ऑफ अक्टूबर को स्क्वायर इंश्योरेंस की तरफ से प्रगति एक इवेंट होने जा रहा है, जिसके जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि जेम्स ऑफ स्क्वायर अवार्ड सेरेमनी है और इसके साथ साथ हम हमारे IT प्लेटफॉर्म ECRMS की भी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। एक्साइटमेंट के लिए क्या रहेगा? एक्साइटमेंट के लिए एक सेलिब्रिटी जो कि मिस इंडिया इंटरनेशनल है, जोया अफरोज है, वो हमारी सेलिब्रिटी रहेगी। इसके अलावा चीफ गेस्ट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम 8th ऑफ अक्टूबर को जयपुर मैरियट होटल में। बाय बाय, थैंक यू। 8th ऑफ अक्टूबर को स्क्वायर इंश्योरेंस ब्रोकर्स की तरफ से जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसके बारे में मैम कुछ बताना चाहेंगे? हेलो, हाय, अंजलि दिस साइड, आई एम फ्रॉम HR वर्टिकल। हाय, दिस इज हेमा चंदानी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम HR वर्टिकल। And you're talking about the event, I'm really excited for the event and I'm looking forward to it because like it's been more than 1 year we have not attended any event such like that, so we are really waiting for it, right Hema? Yeah, right, as Anjali already said, this me also, even everybody is very much excited for this event.